नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आ गई हूँ मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत का शुमार विश्व के उन देशों में है जो अपने अनूठे आर्किटेक्चर के चलते देश दुनिया के लाखों टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आज यहाँ कई ऐसे मेमोरियल मौजूद हैं जिनको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको भारत की गौरवशाली इतिहास का पता चल जाएगा। अगर आप भारत में मौजूद अलग अलग मेमोरियल्स पर गौर करें तो एक बात जो और सामने आती है वो है इन मेमोरियल्स की स्टाइल, जिनमें अलग अलग कल्चर और सिविलाइजेशन की झलक देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबों में होती है। इसका कंस्ट्रक्शन मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। यहीं पर मुमताज महल का मकबरा भी है। ताजमहल इंडियन, पर्सियन और इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल के मिक्स आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 1632 में शुरू हुआ था। 21 साल तक इसमें हजारों कारीगरों ने काम किया और 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। व्हाइट मार्बल से बना ये मकबरा स्क्वायर शेप नींव पर आधारित है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम विक्टोरिया मेमोरियल का है। विक्टोरिया मेमोरियल इंडिया में अंग्रेजी राज को दी गई एक श्रद्धांजलि है। इसका दोबारा कंस्ट्रक्शन किया गया था। ये आम जनता के लिए 1921 में खोला गया था। इसमें शाही परिवार की कुछ तस्वीरें भी हैं। इन बेशकीमती डिस्प्ले के अलावा टूरिस्ट विक्टोरिया मेमोरियल की ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को देखने यहाँ आते हैं। ये कोलकाता के सबसे मशहूर सीन स्पॉट में से एक है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के कोलाबा में मौजूद गेटवे ऑफ इंडिया आर्किटेक्चरल क्राफ्ट का एक मैजिक है और इसकी ऊंचाई लगभग 8 मंजिल के बराबर है। आर्किटेक्चर के हिंदू और मुस्लिम दोनों को ध्यान रखते हुए इसका कंस्ट्रक्शन 1911 में करवाया गया था। यही इस लिस्ट में रेड फोर्ट का भी नाम आता है, यानी कि लाल किला। इस किले को 17वीं सदी के बीच के दौरान करवाया गया था। किले का कंस्ट्रक्शन उस्ताद अहमद ने किया था। इस किले का कंस्ट्रक्शन 1639 में शुरू हुआ था जो 1648 तक जारी रहा। हालांकि किले के कुछ काम 19वीं सदी के बीच में भी करवाया गया था। ये विशाल किला लाल पत्थर से बनाया गया है जो दुनिया के बड़े फोर्ट में से एक है। ये फोर्ट 2.41 किलोमीटर टन एरिया में फैला हुआ है और इस फोर्ट का मेन गेट लाहौर गेट और दिल्ली गेट है। लाहौर गेट चट्टा चौक के पास है जो कि शाही परिवारों के लिए बनवाया गया था। वहीं इस लिस्ट में हवा महल का नाम भी आता है। हवा महल एक फेमस मॉन्यूमेंट है जिसका कंस्ट्रक्शन जयपुर के पोएट किंग सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। ये बिल्डिंग 5 मंजिल की बनी हुई है जो जयपुर के फेमस जौहरी बाजार के पास में मौजूद है, जो कि पूरी तरह से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। हवा महल की डिजाइन लालचंद उस्ता ने बनाई थी, जिसमें 950 से भी ज्यादा खिड़कियां हैं। मैसूर पैलेस का भी नाम आता है। मैसूर पैलेस को अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। इस 3 मंजिल के फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए ब्राउन ग्रेनाइट, जिसमें की पिंक मार्बल के गुंबद होते हैं, का सहारा लिया गया है। पैलेस के साथ साथ यहाँ 44.2 मीटर ऊंचा एक 5 मंजिला टावर भी है जिसके गुंबद को सोने से बनाया गया है। ये पैलेस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले पैलेस में से एक है। इसका एक प्रूफ इस बात से भी मिलता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे वर्ल्ड के 31 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले प्लेस में रखा है। वहीं इस लिस्ट में सांची स्तूप का भी नाम आता है। सांची स्तूप एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो भोपाल सिटी से लगभग 46 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सांची गाँव में मौजूद है। यहाँ 3 स्तूप है और ये देश के सबसे सिक्योर स्तूप में से एक है। पहले सांची स्तूप का कंस्ट्रक्शन 3री शताब्दी में हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। दूसरे स्तूप का कंस्ट्रक्शन 2री शताब्दी में हुआ था और ये एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पहाड़ी के बॉर्डर पर मौजूद है। तीसरा सांची स्तूप पहले सांची स्तूप के पास में है और इसमें सेमी सर्कुलर गुंबद के ऊपर एक मुकुट है जिसे एक बहुत पवित्र जगह माना जाता है। सांची स्तूप के 3 स्तूप वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में माने जाते हैं और प्रेजेंट में यूनेस्को के अंडर भी आते हैं। कुतुब मीनार का नाम भी आता है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद ये एक प्रसिद्ध संरचना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में ये देश की सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब कैंपस को 1193 से 1368 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने
विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। आर्किटेक्चर के अमेजिंग मिसाल अच्छी तरह से सिक्योर है और इंडिया का एक देखने वाला आर्किटेक्चर है। टूरिस्ट इंडिया गेट जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस मेमोरियल का असली नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था, जिसे लगभग 70,000 सैनिकों की याद में बनवाया गया था। ये वो सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना की तरफ से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और 1919 की थर्ड वॉर एग्लो अफगान वॉर में अपने जीवन का बलिदान दिया था। हालांकि इन बिल्डिंग्स की नींव महामहिम ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी, लेकिन इस मेमोरियल को 1931 में उस टाइम वायसराय लॉर्ड इरविन ने पूरा करवाया था। यही इस लिस्ट में चार मीनार का भी नाम आता है। हैदराबाद की खास पहचान माने जाने वाले चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने 1591 में बनवाया था। आज इस हिस्टोरिक बिल्डिंग ने पूरे वर्ल्ड में चर्चा हासिल की है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि चार मीनार का शाब्दिक अर्थ होता है चार टावर। ये बिल्डिंग पुराने टाइम की क्लासिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। इस टावर में चार चमक दमक वाली मीनारे हैं जो कि चार मेहराब से जुड़ी है। मेहराब मीनार को सहारा भी देती है और कुली कुतुब शाही ने गोलकुंडा की जगह पर हैदराबाद को नई राजधानी बनाया तब चार मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। तो दोस्तों, ये तो थी उन 10 बेहतरीन आर्किटेक्चरल मेमोरियल की बात जो कि भारत को और ज्यादा खास बनाते हैं। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।